वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्त बिंदावन मनोहर वाछाकलपतरुश कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावई तुलसीदेव वैपिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयं सदा परिभवन्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भीतातिहं पुनदुपाल्लभवद्विपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपोदुष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा किमां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदात संकेतनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायणो प्रियमलंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजवीशनाथम बागीश वदने लक्ष्मीर्जस च वक्षसी जस्यास्ते हृदय संभी त्वं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत् विजानतः
tatra ko moho ka soko ekattam anupashyato jasmin sarvani bhutani atmaiva abhud vijanatah tatra ko moho ka sloko ekattam anupashyatah Kauriya Goshthipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ji ne bataye agar aapka sare amangal mangal ka juma mere haath mein de doge to hum aapka bare mein sochenge aapka juma hum le lenge Gauriya Goshthipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Jagadguru ji ne bataye अगर आप आपका जिंदगी का जीवन जिंदगी का तमाम जुमा अच्छा बूढ़ा क्या हो नहीं हो तमाम जुमा अगर हमारा हाथ में दे दोगे तो हम आपका जुमा हम लेंगे अगर अपने तरफ से कुछ रिजर्व रखोगे आत्मसमर्पण का कोई कमी है तो हम क्या कर सकता एक नदी पार करने के लिए एक बोट का जरूरी है एक बोटमैन का भी जरूरी है ऐसा बुद्धि लेके अगर आप गुरु ग्रहण करोगे आप उसका बाद गुरु का साथ कोई संदेह संबंध नहीं है कोई कनेक्शन नहीं है कोई सेवा का मामला नहीं है तो हम क्या कर सकता कुछ नहीं कर सकता गुरु की पाही केवलम एकांत रूप से गुरु कृपा के द्वारा ही एकांत रूप से गुरु कृपा के द्वारा ही आत्म तत्व का उपलब्धि हो पाता एकांत रूप से गुरु कृपा के द्वारा ही आत्म तत्व का उपलब्धि होता इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है हां योग है ज्ञान है इसके द्वारा टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत आगे चल सकते हो लेकिन सॉलिड फाउंडेशन मिलना मुश्किल है गुरु की पाही केवलम सद्गुरु की पा कहा वैष्णव गुरु का की पाही सर्वपरि है इसके ऊपर कुछ नहीं है काल कर्म गुणाधीन देहो अयम पांच भौतिक कथम अन्यांस्त गोपायत सर्पग्रस्त जय अपरम ये जो शरीर है मन है सब कुछ काल कर्म गुणाधीन देहो अयम पांच भौतिक ये शरीर पांच भूत का बना हुआ है इसका ऊपर तो मेरा बिल्कुल कोई कंट्रोलिंग है ही नहीं अगर कंट्रोलिंग है ये शरीर अगर मेरा है मेरा बात क्यों नहीं मानता सुबह में ठीक है शाम को गड़बड़ी हुआ है ऐसा अक्सर होते रहते हैं अपना शरीर के ऊपर मेरा कोई कंट्रोलिंग है ही नहीं जितना दवा कराओ जितना परहेज कराओ बीमारी जाए कि ना जाए तो ठाकुर जी जाने लेकिन हृदय का जो बीमारी है वो जरूर जा सकता इसका बारे में गारंटी है अगर सदगुरु वैष्णव का चरण में अपना मस्तक को बिक्री कर दोगे तो जरूर इसी जन्म में ही आत्म तत्व ज्ञान का उपलब्धि हो पाता है कोई संदेह नहीं है गुरु वैष्णव सदगुरु वैष्णव के चरण में अपना जितना सारे मनमानी है जितना सारे प्राइवेसी है पर्सनली पर्सनल कोई कुछ चीज रिजर्व करके रखा है तमाम चीजों अगर गुरु वैष्णव का चरण में समर्पण कर दिया मानस देहो गयो जो किचो मोरो और पिदु त्वापदे नंद किशोर के चरण में सब कुछ अर्पण तभी होता जब गुरु चरण में समर्पण हो जाता क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सो काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिक प्रकाल कर्म गुणाधीनो काल के द्वारा क्षोभित है कर्म के द्वारा इसका
अवश्यमेव भक्तव्यम कित कर्मम शुभाशुभम। ये कर्म के द्वारा हमारा जीवन जिंदगी का जितना सारे सब रेगुलेटेड है। जब भी हम समझे कि हम स्वाधीन हैं, आई हैव माई पर्सनैलिटी, आई हैव माई प्राइवेसी, स्वाधीन है, लेकिन फिर भी स्वाधीन नहीं। कहाँ स्वाधीन है? भगवत चरण में शरणागति के द्वारा ही वास्तव स्वाधीन भाव को प्राप्त होता है, इसका पहले नहीं। काल कर्म गुणाधीन देहो अयम पंच भौतिक कथम अन्यांश गोपायत सर्पग्रस्त जयापरम। कौन किसको रक्षा कर सकता, कौन किसको कैसे कहां कब रक्षा कर सकता, कोई गारंटी है क्या? जब अपना जिंदगी का ही कोई सियोरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, तो दूसरे को कैसे बचाए? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रहा था गुरु तत्व के बारे में, जो सदगुरु वैष्णव बद्ध जीवों को बचा सकता है एकमात्र। गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु शुश्रूषया, गुरु शिष्य के, गुरु शुश्रूषा सदगुरु के सेवा के द्वारा ये संभव है एकमात्र, नहीं तो कोई रास्ता ही है नहीं। काल कर्म गुणाधीन देहो अयम पंच भौतिक कथम अन्यांश गोपाय। जब अपना जिंदगी जीवन जिंदगी का कोई सियोरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, तो दूसरे को बचाने वाला जो क्वेश्चन है तो दूर की बात है। उदाहरण दिया गया भागवत जी महापुराण में, सर्पग्रस्त जयापरम। ये नारद जी महाराज, साक्षात नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज जी को बताएं। अब अभी भी चिंता कर रहे हो कि पितृव्य कहाँ गया, कहाँ खो गया, वो आंखों में देखता नहीं, कहाँ चला गया, और हम बिना इसका सहारा कोई है नहीं, ऐसा सोचो मत। ये जीवन जिंदगी में कोई किसी का सहारा नहीं, कोई पत्नी पति का सहारा नहीं, पति पत्नी का सहारा नहीं, पिता माता का नहीं, कोई किसी का सहारा नहीं, बेसहारा है, सब अपना अपना हिसाब से चल रहा है, अपना अपना हिसाब से सब चल रहा है, कोई किसी का कोई गारंटी नहीं। बैंक का अमानती पैसा, जड़ जगत का भाई बंधु, पिता स्वामी माता पिता, कोई कुछ नहीं, भाई बंधु कुछ नहीं, सब अपना अपना हिसाब को चुकाना पड़ेगा। सो कथम अन्यांश गोपायत, कैसे आप सोच रहे हैं गोपी पितृव्य कहाँ गया, कहाँ यू नो आंखों में देखता नहीं, क्या मरा गया कि क्या हुआ, गंगा में छलांग लगाया, क्या हुआ, मेरा बड़ा चिंता हो रहा है। नारद जी महाराज, ऐसा बेकार का चिंता छोड़ दो, सर्पग्रस्त जयापरम। जैसे एक एक प्राणी को एक सांप ने ग्रास लिया, थोड़ा सा बाकी रह गया, एक प्राणी को ग्रास ग्रास में भर लिया सांप, हमने खुद देखा है, फ्रॉग जो है, फ्रॉग एक जहरीली सांप मंदिर का बरंदा में पूरा उसको पकड़ लिया, हम तो काछे रह के देखते रह गए क्या हो रहा है, और खा नहीं पाया, निगल नहीं पाया अभी भी, और पकड़ के रखा है, कब तक ये मरे। सर्प गुस्सो जया परम, प्रैक्टिकल डायरेक्ट एग्जाम्पल, कोई किसी का सहारा है नहीं। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में ये सब श्लोक है, और श्रीमद् भगवद गीता जी महापुराण में आप पहले ही आप देखे, चर्चा हो चुका है। ये जब तक आत्मसमर्पण नहीं हो पाता, तब तक तत्व ज्ञान सदगुरु दे नहीं पाता। जब तक
सदगुरु का चरण में तत्वविद के चरण में आत्मसमर्पण नहीं हो पाता तब तो तत्व ज्ञान बहुत दूर है, बहुत दूर, ये संभव नहीं। वो चर्चा हो रहा था और ये जो ईशोपनिषद का जो श्लोक है जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोह कशोको एकत्वम अनुपश्यतः। ये बड़ा ऊंचा विचार है, जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव, जब आपका आप तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो सारे प्राणी को आप समान नजर से, इक्वल साइट, कोई उसमें पर्सनैलिटी नहीं रहे बचेगा, समान दर्शन, सब कोई का अंदर में वही परमात्मा का दर्शन, ये अगर हो जाए तो विचार बना लो कि कौन किसका शत्रु है, कौन किसका शत्रु है। जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत, अपना तरफ अपना मापिक अगर हर प्राणी को देखना शुरू कर दे तत्व ज्ञान में, तद विज्ञानार्थप स्वगुरु में भावी गच्छेत, अप्राकृतिक जगत का ज्ञान तत्व ज्ञान सदगुरु का पास मिल सकता। और तत्व ज्ञान मिलने के बाद अपना मापिक तमाम दुनिया को देखना शुरू कर दे, जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोह, तब कहां मोह बचेगा, शोक कहां शोक बचेगा, क्योंकि आप तो एकत्व अनुपश्यतः, जब एकात्मा दर्शन करोगे हर कोई का अंदर, तद विद्धि पुनिपातेन परिवेशन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन सत्वदर्शिनः। यही बात श्रीमद् भागवत गीता जी में बताया गया और अंतिम समय ये चर्चा हो पाया था पंचम अध्याय का, पंचम अध्याय का ये श्लोक चर्चा हुआ था। ये एक तत्वविद, वास्तविक जो तत्वविद है वो तमाम क्रियाक्रम करते हुए भी अपना अंदर में कोई अहंकार नहीं है, वो सोचता ही नहीं कि मैंने कुछ किया, कर्तापन का कोई स्मेल गंदगी तक नहीं है, क्योंकि जोग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नोपि न लिप्पते न लिप्पते। देखो ईशोपनिषद का जो चर्चा है इसका बराबर चर्चा समान, कैसे देखो, जोग युक्तो मतलब कर्म योगे न युक्त, निष्काम कर्म योगी, कोई कामना वासना नहीं है। विजितात्मा जो अपना शरीर मन इंद्रियों को पर जय प्राप्त कर लिया, विजित आत्मा शरीर जेनो, विजित आत्मा आत्मक आत्मा को जय कर लिया, विजित आत्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वेशां भूतानां आत्मभूतः आत्मा जस्सो स समद सम सम्यक दर्शी इत्वार्थ। सिद्ध साईपाद जी ने बताए, सिद्धस्थ में देखो अभी ईशोपनिषद में यही बात बताया, चर्चा किया, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत। जब एक दर्शन हो जाए तब तो चिंता कहाँ है, कौन शत्रु है कौन मित्र है, फ्रेंड एंड फो कंसेप्शन कैन वैनिश। सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वेशां भूतानां आत्मभूतः आत्मा जशो सम्यक दर्शी इत्यर्थ। सिद्ध समीपा जी ने बताया, जिसका आत्मा सर्वभूत जो आत्मभूत हुआ छे, जिसका आत्मा
सर्वभूत में जो आत्मा है उसी को दर्शन करना शुरू कर दी। इसका हो गया तमाम व्यक्तियों तमाम प्राणियों में एक ही आत्मा, जिसका आत्मा सर्वभूत सर्वभूतात्मभूत हो गया। अर्थात जिन्होंने ये दर्शन उपलब्ध किया एक आत्मा सर्वभूत में उपस्थित है, किसका साथ दुश्मनी करे सर्वभूत में समदर्शी। और दरअसल बात ये है, जो महात्मा कर्मयोग के द्वारा युक्त है, विशुद्ध चित्त है, चित्त में कोई कामना बसना चाहत नहीं है, संयत देहो शरीर मन जितेंद्रियो सर्व शरीर का ऊपर जय प्राप्त किया आत्मा के ऊपर, सर्वभूत का आत्मा ही जिसका आत्मस्वरूप मतलब सर्वभूत में एक ही आत्मा दर्शन कर सकता, ऐसा मापिक समदर्शी महापुरुष ये तमाम कर्म करते हुए भी ये कर्म में आबद्ध नहीं होते, इसका लिए बंधन नहीं है। कर्म बंधन का कारण नहीं है, पहले भी बता चुका बहुत सारे श्लोकों के द्वारा, कर्म बंधन का कारण नहीं है, बंधन है आशा। आशा ही परम दुःखम नैरासम परम सुखम। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में 11 स्कंध में 11वां स्कंध में उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब पिंगला विषा, जब अंदर में पूर्व कोई रहस्य है, पूर्व कोई सत्संग वा कोई का कोई कुछ है जिसके द्वारा अभी इसका अंदर में पूरा डिटैचमेंट अपना अंदर में आ गया, वैराग्य का पैदा हुआ और तमाम अपना कामना वासना का तिलांजलि दिया और कहने लगे ये प्राकृत जगत का जो आदमी है मर्द है, इन लोगों का पीछे मैंने अपना जीवन जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अब ये अट्रैक्शन मेरा जो है परम पुरुष परात्पर अखिलेश्वर भगवान के चरण में होता हुआ होता तो मेरा बेरा पार हो जाता, हाय हमने क्या किया, वैराग्य पैदा हुआ, डिटैचमेंट। अंतिम में पिंगला विषय जी जो है ये बताई, आशा ही परम दुःखम, आशा ही परम दुःखम नैरासम परम सुखम। नैरासम मतलब हमने भजन भी नहीं करेंगे, भजन का सेवा भी नहीं करेंगे, ये आशा नहीं, ये तो चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने और कोई कुछ नहीं करेंगे, क्या करेगा हरि कथा बोल के क्या होगा वही कांड में चले जाए, ना ऐसा नहीं, गलत समझने से उल्टा। दोपहर का टॉपिक्स है कैसे कुछ दुष्ट आदमी हरि कथा का नाजायज फायदा लेता है, महाराज जी ने यह बताया, हमारे जी क्या बताया है, बहुत सारे है जो एक बात बताया उसका आगे पीछे नहीं देखा, विचार नहीं किया, बोला वो बताया है माला माला जपे साला, तो इसका पहले का श्लोक देखो है, इसका पहले का श्लोक देखो क्या लिखा है, बाद का श्लोक देखो, अरे बता दिया माला जपे साला बदमाश, ऐसा ही नाजायज फायदा लेते रहता है आदमी। तो इधर जो है नैरासम परम सुखम मतलब नैराश्य मतलब कामना वासना आत्मेंद्रिय प्रतिबांछा त्याग दो, आत्मेंद्रिय प्रतिबांछा त्यागने का ये प्रसंग आता है, ऐसा नहीं कि मंदिर में सेवा नहीं करेंगे गुरु सेवा नहीं करेंगे और सब बंद कर दो, ऐसा नहीं। तो ये माने जो है ये है नैराश्यम परम सुखम, अर्थात पिंगला विस्सा जी ने स्वयं बताई, या अगर भगवान का अगर हम सेवा करते तो हम मालामाल हो जाते, ये हमने किया नहीं, बड़ा मुश्किल से अभी ये विचार आया। नैरासम तो नैरासम का मतलब है
ये प्राकृत जगत का कोई कामना वासना ओरिएंटेड कोई आशा नहीं रखना चाहिए, ये बंधन का कारण है। और अगले श्लोक में ऐसा बताया, नैव किंचित करम इति युक्तो मन्ने तो तत्वित, एक तत्वित हर वक्त सोचते रहते हैं बहुत कुछ करने का बाद भी हमने कुछ नहीं किया, इसलिए कर्तापन किसी भी हालत से ठहरता नहीं, कर्तापन। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ने तो तत्वित, एक तत्वित हर वक्त सर्वगत सोचते रहते हैं हम कुछ नहीं करता। जब भी देखा जाता है पश्चन श्रृणन स्पृशन जिघन असनन गच्छन सपन ससन प्रलपन विसृजन गृणन उन्मेष निमेषन नोपी इंद्रियानी इंद्रियार्थेशु वर्तन्त इति धारयन्। वो सोचते रहते हैं महाराज, देखने के समय में, सुनने के समय में, स्पर्श करने के समय में, घ्राण लेने के समय में, सांस लेने के समय में, जाने के समय में, सपन देखने के समय में, अस्नन खाने के समय, खाने के समय में, जिघ्रन मतलब सांस घ्राण लेने के टाइम में, अस्नन खाने के टाइम में, जाने के टाइम में, गच्छन सपन सपन देखो, श्वसन श्वास लेने के टाइम में, प्रलपन यू नो कुछ भी करो करने जाओ, इस समय में बात करते रहे, कुछ भी करते रहे, बातें करते रहे, सृजन त्याग करते रहे। विसृजन माने अतर मल मूत्र आदि त्याग, ये तो विसर्जन है ना, विसृजन घृणन ग्रहण करा, कुछ चीज ग्रहण करे, उन्मेषन आंखों का निमेश उन्निमेश तो है ही है। ये सारे करने का बावजूद वो सोचते रहते हैं कि हमारा ये शरीर का जो इंद्रिय है, इंद्रिया हैं सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, हमारा ये शरीर का जो तमाम इंद्रिया हैं अपना अपना कामों में लगे हुए हैं, इसमें मेरा कुछ करने का है नहीं, क्योंकि आत्मा निष्कल, आत्मा जो है, आत्मा ये सब जड़ जगत का जो क्रियाकर्म है इसमें लिप्त होते नहीं, आत्मा निर्लिप्त रहते हैं। ये तो बंधन के कारण है, पूर्व कर्म फल के अनुसार जीवों का जो बंधन है, ये बंधन मतलब सूक्ष्म देहो, एक ग्रॉस बॉडी मोटा देहो, उसका बाद सूक्ष्म देहो है, उसका बाद आत्मा है, ये सूक्ष्म देह है, इसको कारण शरीर बोला जाता है। पूर्व कर्म फल जो है, पूर्व कर्म फल के अनुसार इसको फल भोगना पड़ेगा, और दूसरा जन्म में जोनि में जाने के बाद फिर अकॉर्डिंगली उसका स्वभाव आदि प्रस्तुत हो जाता है अपना किए हुए कर्मफल का भोगने के लिए, ऐसा ही। तो ये तमाम जो है इंद्रिया के द्वारा जो क्रियाकर्म होते रहते हैं, ये करने के बावजूद वो सोचते हैं नैव किंचित कर्म इति युक्तो मन्ने तो तत्वित, पश्चन श्रृणन स्पृशन जिघ्रन असनन गच्छन सपन ससन प्रलपन विसृजन घृणन उन्मेष निमेषन नोपी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये सोचते रहते हमारा कुछ करने का है, हम तो आत्मा है, हम तो शरीर नहीं है। तत्वित का मतलब जिसका पूरा खुला, जिसका तत्वित का मतलब जिसका अंदर में तमाम ये नॉलेज है, प्रकृति क्या है, प्रधान क्या है, ये जीवात्मा सब क्या है, भगवान क्या चीज है, और माया क्या है, तमाम चीजों का ऊपर इसका पूरा नॉलेज है पक्का। ये सोचते रहते प्रकृति क्रियाकर्म करता है, प्रकृति मतलब ध्यान से सुनने वाला बात है, क्योंकि पहले हमने बताया प्रकृति निष्प्राण है, प्रकृति का कोई चेतना नहीं है, और चेतन वस्तु
जितना सारे जीवात्मा है, जितना सारे जीवात्मा है, तमाम जीवात्मा प्रकृति का अंदर प्रविष्ट होने का बाद प्रकृति और पुरुष का इतना आपस में हिलमिल हो गया कि एक दूसरे का साथ इनएविटेबल एक तो संबंध बन गया। प्रकृति का साथ पुरुष अर्थात आत्मा का रहने का कारण अनंत काल से आपस में हिलमिल ऐसा हो गई जैसे लगता है कि एक दूसरे का अलावा बिना जी नहीं सकता। लेकिन असली बात तो ये है कि आत्मा का साथ प्रकृति का कोई कनेक्शन है नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। फिर भी अपना पूर्व कर्मफल के अनुसार जब जीव का जन्म हुआ, प्रकृति देवी खेती अपो तेज मरुद बोम ये पंचभूतों के द्वारा शरीर निर्माण किया मातृ कुखी में, उसके बाद जन्म दे दिया, उसके बाद कर्म फल भोग। मतलब हमारा शरीर, हमारा जितना सारी इंद्रियां हैं, सारे प्रकृति का चीज है, सारे प्रकृति का हमारा मन बुद्धि अहंकार आदि शरीर जितना सारी इंद्रियां हैं, सारे ये सारे प्रकृति का ही स्वाय। सिर्फ चेतन वस्तु शरीर का अंदर रहने का कारण और पूर्व कर्मफल का अनुसार इंस्पिरेशन मिलने का कारण वो काम करते रहते। आई बात समझ में? सिर्फ चेतन वस्तु ये जड़ शरीर का अंदर में है, प्रधान से प्रकृति और ये आत्मा रहने का कारण और पूर्व कर्म का सूक्ष्म शरीर जिसको कारण शरीर बोला जाता है, ये रहने का कारण अपना जो प्रकृति जो इंद्रियां आदि सारे दे दिया है बद्ध जीव को, ये इसके द्वारा वो अपना अपना हिसाब के अनुसार काम करते रहते हैं और सोचते रहते कि मैं करता हूं, कर्तापन आ जाता है। भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धि रेव च अहंकार इति अंग में प्रकृति रस्त था। भगवान श्री कृष्ण बताए ये आठ प्रकार का हमारा प्रकृति का जो डिवीजन है, मेरा प्रकृति का जो डिवीजन है आठ प्रकार का, आठ तरीका से चलते रहता है। और किसी का हिम्मत नहीं कि समझे कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इतना तक समझना मुश्किल है। सांख्य तत्व भी बताया ये सब तमाम कैसे पंचो कर्मेंद्रियो पंचो ज्ञानेन्द्रियो है ना, पंचभूत और पंचो तन्मात्रा और फिर आत्मा, उसका बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे लिखे 24 तत्व, और थोड़ा आगे चले तो 28 तत्व आ सकता है। जो भी है ये अनुभव करना एनालिटिकली, कोई अगर एनालिटिकली अनुभव में ला सके कि मैं तो शरीर नहीं हूं, जिसका बारे में चैतन्य महाप्रभु जो रूपानुगो भक्त और रागानुगो भक्तों का बारे में फाइनल जो विचार बताया महाप्रभु जी ने सिखाया हमको, ना हम विप्र न च नरपति ना पिवैश्य न शूद्र ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्वती किंतु निखिल परमानंद पूर्ण मिपाध्येर गोपी भर्तुर पद कुमार दासुदासन, ये फाइनल परिचय है। यहां आत्मा का बेसिक आइडेंटिटी परिचय हो रहा है, कोई माने और ना माने, वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताए कोई माने ना माने तो आपका मर्जी है, कोई माने ना माने फर्क नहीं पड़ता, तमाम जीव कृष्णों का दास है, कोई माने ना माने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोइंगली और अनोइंगली जाने अनजाने में तमाम जीवात्मा जो है भगवान का ही सेवा में लगा हुआ है। माया का सेवा कर रहे हैं ना, ये माया का सेवा क्या है, भगवान का ही व्यतिरिक सेवा ना, भगवान का ये सृष्टि है बद्ध जीवों के लिए, भगवान का ये सृष्टि है बद्ध जीवों के लिए बनाया, उसमें बद्ध जीवों का ट्रीटमेंट चिकित्सा करने के लिए माया देवी व्यवस्था की, तो माया कहाँ से आया, इंटरनल माया एक्सटर्नल सारे जितना सारे है भगवत तत्व का बाहर तो नहीं है ना, सारे अद्वैत तत्व का अंदर ही है। बदंती तत्त्वविदं तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते,
तमाम तत्व तो यही औद्योगिकन तत्व का अंदर ही है, इसका बाहर कुछ नहीं है। तो अज्ञान कहां से आया, माया माया कहां से आया, कहां से आया? असलियत बात यह है जो भगवान का जो ये जो महामाया है जो जीवों को ट्रीटमेंट करे, इसका अस्तित्व भगवान का अंदर नहीं है। भगवान का अंदर में सर्वशक्ति का अस्तित्व है। सर्वशक्ति का बाहर भक्तिवंत ठाकुर कह रहे हैं, सर्व भगवान का सर्वशक्ति, कह रहे हैं कि भगवान का सर्वशक्ति ई असली शक्ति है। भगवान का सर्वशक्ति असली शक्ति है। भगवान का सर्वशक्ति का बाहर जो शक्ति है बोल के महसूस होता है, जो सर्वशक्ति नहीं रहने से जिस शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो पाती, इसका नाम माया शक्ति। मतलब विचार करो तो इसका कोई डायरेक्ट अस्तित्व नहीं है, शैडो शिष्ट स्थिति पोले साधन शक्ति रेगा छाए व जस भुवनानी दुर्गा इच्छा अनुरूप में पी जसो चेष्ट ते सा गोविंद आदि पुरुषम सृष्टि स्थिति बोले साधन शक्ति रेखा छाए व जस भुवनानी विवृति दुर्गा इच्छानुरूपमी जस चेष्ट से सा गोविंद आदि पुरुषम तुम। ये माया शक्ति है। भक्ति ठाकुर कह रहे हैं भगवान का स्वरूप शक्ति असली शक्ति है, इंटरनल प्रेजेंट पोटेंसी अंतरंगा शक्ति। ये अंतरंगा शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोल के महसूस हो रहा है, लेकिन वास्तव में अंतरंगा शक्ति नहीं रहने से ये बहिरंगा शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, नहीं हो पाता, इसका नाम माया शक्ति। ये विचार करके देखना भक्ति मोटो कहले इसका नाम माया शक्ति। तमाम तत्वविद का मतलब है वो तमाम तत्व का बारे में जानकारी है, तमाम उसका मालूम है, जिसका ये तमाम सृष्टि का जो रहस्य है हमने बताया। ये आत्मा जो है ये निष्क्रिय है, कोई ये सब चीज बस आत्मा का काम है। जीवात्मा जो है ये नित्य इटर्नली भगवान का दास है, तो भगवान का सेवा करना ही इसका इटर्नल प्रॉपर्टी है, भगवान का सेवा करना। अब कहां से आफत आ गया संसार का सेवा, यही तो कह रहे हैं। वास्तविक पक्ष में पुरुष और प्रकृति जो सांख्य योग में बताया था, पुरुष और प्रकृति अनंत काल से एक साथ रहने के कारण एक दूसरे का एक अविच्छेद्य हिस्सा बन गया। वास्तव रूप से पुरुष का साथ प्रकृति का कोई संबंध है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं, लेकिन वो समझ गया तो प्रकृति मतलब आत्मा अपना कर्मफल के अनुसार सूक्ष्म शरीर को लेकर जिस योनि में प्रवेश करे, उसका बाद माया देवी अपना पंचभूत से बनाया हुआ शरीर को दे देते, इसका बाद अपना कर्मफल भोग करते समय जीवात्मा ये शरीर पकड़ने का बाद सोचते हैं कर्ता अहम इति मन्नति प्रकृति किया मनानी गुण कर्मेर अवसह अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्नति। आपने को सोच लिया मैं करता हूं, सारा शरीर जो है शरीर का साथ जोड़ा हुआ जितना सारी तमाम चीज है इसको अपना 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 बना के बस माया में डूब गया। मतलब ये शरीर है ये भी जड़ शरीर है, आठ किस्म का बताया ना, मतलब हमारा मन है बुद्धि है विचार है हमारा शरीर है तमाम चीज भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इति अंग में प्रकृति अस्त। प्रकृति आठ प्रकार का प्रकृति का हिस्सा है, और ये चेतन वस्तु शरीर का साथ जोड़ने का कारण, ये चेतन वस्तु शरीर में प्रवेश करने का कारण तमाम शरीर का संचालन अपना चिंतन करना कुछ करना जाना खाना बैठना सारे तमाम चीज चलते रहते हैं, और ये शरीर को ही अपना बना के बैठा हुआ है, जबकि ये शरीर प्रकृति का है, जीवात्मा का साथ इसका कोई संबंध है नहीं, तात्कालिक संबंध जोड़ गया तो मेरा शरीर भी प्राकृत है। ये जगत में जितना सारे चीज दिखाई पड़ता है, अप्राकृत मंदिर
गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम ये छोड़ के बाकी तमाम ये तमाम जड़ जगत का जितना सारे वस्तु दिखाई पड़ता है या तो नहीं दिखाई पड़ता है, तमाम प्रकृति का चीज है। आपका कोई राइट नहीं है इसको ऊपर अधिकार जमा ले, शरीर को ऊपर अधिकार जमाने जाओ तो लात मिलेगा, लात एक लात मिलेगा। भागवत का अगर कभी चर्चा हो तो वहां देखोगे कैसे है, कैसे नारद जी महाराज कैसे उपदेश किया सूरत राजा आदि, यू नो जैसे सुंदर उपदेश किया। ये उपदेश में देखा गया सुंदर विचार है, ये जो जीवात्मा है ये कौन है, कैसे शरीर में प्रवेश कर लिया, कैसे अपना बना के बैठा हुआ है, तमाम संपत्ति जायदाद और शरीर का साथ जुड़ा हुआ रिश्तेदार जितना सारे हैं, ये सारे जो है सारे तमाम रिश्ता जोड़ के फांसी का फंदा फोद लगा के बैठा हुआ है, खोद लगा के बैठा, किसी का कोई जुमा नहीं। नादत्त कस्यचित पापम नौचैव सुकृतिम विमुख, नादत्त कस्यचित पापम नौचैव सुकृतिम विभुम अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुझ्यन्ति। भगवान किसी का किसी चीज के लिए आपका सुख दुख किसके लिए जुमा नहीं है। सिर्फ जब जीवात्मा का जो इटर्नल प्रॉपर्टी है सेवा ये प्रकाशित हो जाता है तब भगवान उसको जीवात्मा को अपना समझ के ले लेता है, अपना विचार करके उसको ग्रहण करता है, नहीं तो ग्रहण नहीं करता। ऐसे जीवात्मा भगवान कोई जुमा नहीं है, जितना जीवात्मा इतना कर कष्ट मिलते रहते हैं, जितना से सुख दुख जो कुछ भी है इसके लिए भगवान जुमा नहीं है, इसके लिए भगवान बिल्कुल जुमा नहीं है। अपना अपना कर्मफल भोग रहा है और भगवान को ही दोषी मानता है, मान के चलता है। ऐसा करके तमाम बद्ध दशा में और बंधन का दशा में चले जाते हैं, और जो गुरु है कपट गुरु है जिसका बारे में भोपा जी ने बताए, धर्मध्वजी गणेर धर्म आचरण, धर्मध्वजी धर्म का फ्लैग लगाया हुआ है, हम धार्मिक है, धर्म का फ्लैग लगाया हुआ है, फ्लैग पताका, धर्मध्वजी गणेर धर्म आचरण बद्ध जीव के लिए और ज्यादा बंधन का कारण हो जाता। धर्मध्वजी गणों का धर्म का जो आचरण है ये तो माया का आचरण है, क्योंकि गुरु वैष्णव का जो आचरण है ये तो पक्का, जो आचरण में नहीं ला पाते वो बोलते नहीं अल्लाह तो, और जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं, वो प्रतिष्ठित है, गुरु वैष्णव आचरण में प्रतिष्ठित है जब भी। इसीलिए गुरु वैष्णव का जो हरिकथा है सब के द्वारा गुरु वैष्णव की जो वाणी मूर्ति है वाणी स्वरूप का पता चलता, लेकिन बद्ध जीव अगर गुरु का भूमिका में काम करे उसका वाणी का स्वरूप है ही नहीं, मेटेरियल वाणी स्वरूप, तो वाणी का स्वरूप का कोई पता ही नहीं चलता। और सदगुरु वैष्णव का जो आचरण है वही वाणी का ही प्रयोग है, एप्लीकेशन, सिद्धांत वाणी का अप्लाइड फॉर्म में जो प्रयोग होता है अपने जीवन में आचरण में आदर्श में तो हो जाता, तो ये जो है वाणी स्वरूप का पता चलता है। सदगुरु वैष्णव का जो आचरण है वो जो सिद्धांत विचार है वही अपना जिंदगी में आचरण करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आचरण करते। जो अनुभव में नहीं है वो बोलना अपराध है, जो अनुभव में नहीं उतारा ये दूसरे को बोलना उचित नहीं है, जो भी है ऐसा करके तमाम इनो बंधन का कारण बंधन में फंस गया। बद्ध जीवों का जो हालत है बहुत बुरा हालत है, बहुत पैथेटिक है, इसीलिए पोपा जी ने बताए धर्मध्वजी गणेर जो धर्म का फ्लैग धर्म का पताका लेके चलते हैं, हमने धार्मिक है, हमने आचार्य है,
पोपा जी ने बताया धर्म ध्वजी, वो धर्म का ध्वजा पालन किया, ध्वजा पकड़े, धर्मों का जो ध्वजा है फ्लैग है ये पकड़ के रखा, असलियत में कुछ नहीं है। तो पापा जी ने बताया ये तमाम दुनिया के सबसे बड़ा बीमारी है, धर्म ध्वजी है ये लोग का पीछे चल रहा है तमाम बद्ध जी। बोलते ये ठीक है, इतना कड़ा फड़ा आचरण हमको समझ में नहीं आता, इतना विचार, ओ बाप रे बाप ये कैसे क्या करे, यही ठीक है सहजिया नीति, यही ठीक है। तो पापा जी ने बताया धर्म ध्वजी गणेर, धर्मध्वजी गणों का धर्म आचरण बद्ध जीवों के लिए और ज्यादा फांसी का फंदा बन जाता, उद्धार का कोई रास्ता है नहीं। चाहे जितना भी कठिन हो, चाहे जितना भी कष्ट हो, मेरा विनती है सदगुरु वैष्णव का आदेश का अनुपालन करे, सदगुरु का आदेश का अनुपालन करे, उसका ही पीछे रहे, उसका ही आचार आदर्शों को देखे, जितना ही कठिन होना क्यों, जितना भी कठिन होना क्यों, यही पालन करना पड़ेगा। अगर कष्ट लग रहा है ये बोल के छोड़ दिया सदगुरु वैष्णव का आचरण, तो और कुछ करने का है नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी ही, सबसे बड़ा बीमारी पकड़ा ये दुनिया का, ये है धर्म ध्वजी गणों का धर्म आचरण बद्ध जीव के लिए ज्यादा फांसी का फंदा, इसीलिए उद्धार का कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि उन लोगों का इच्छा ही नहीं। अगर सिंसियरिटी है, अगर अंदर में चाहत है 100% हमको सच्चाई का ओर जाना है, एब्सोल्यूट ट्रूथ और प्राकृत सच्चाई का ओर हमको जाना ही है, बिल्कुल हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो उसका लिए तो बलदास जी महाराज है ही है, बलदास जी महाराज रास्ता रहा दिखाने वाला, बलदास जी महाराज रास्ता दिखाएंगे, उसके लिए तो कोई चिंता है नहीं। इसीलिए विचार करके देखना असद गुरु कपट गुरु का अनुगत करते करके तमाम दुनिया अभी नरक का ओर बढ़ रहा है, नरक 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 का ओर, क्योंकि शास्त्र में बताया गया जो भक्ति नैरोहितम, जो भक्ति नैरोहितम अन्नयन श्रीनती जो तो उभौ ब्रजतो निरयम कालम अक्षयम, अक्षय काल के लिए नरक का यात्री हो जाते हैं। जो कपट गुरु का पीछे रहता है उसका ही अनुपालन कर सेवा में रहते हैं, बस गुरु भी जाए गुरु शिष्य तमाम, इनका इनका जी इनके जितना सारे फॉलोअर है तमाम को लेकर गुरु नरक में जाने वाला है, जाएगा इनएविटेबल, इसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसलिए जो भक्ति नैरहितम, जो अन्याय सिद्धांत विरोध, जो अन्याय सिद्ध और सिद्धांत विरोध कीर्तन करते रहते हैं, उसका लिए जो श्रोता है और जो वक्ता है स्वयं तमाम नरक में कालम अक्षयम, अक्षय काल के लिए नरक का यात्री बन जाते, कुछ करने का है नहीं। इसीलिए बार बार शास्त्र में यह बताया गया अवैष्णव गुरु अगर ग्रहण किया, जो वास्तव गुरु नहीं है, बाहर में तिलक माला सब कुछ है, तो उसको त्याग दो, त्यागने के बाद वास्तव सदगुरु तत्वज्ञानी पुरुष का पास पहुंचो, तद्विज्ञानार्थम सौगुरु मेभाविगछेत समित समित पानी सौत्यम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पास, भगवान निष्ठ गुरु का पास पहुंचो, तत्व ज्ञान को प्राप्त करो, नहीं तो कोई रास्ता है, तद विज्ञानार्थम सौगुरु में भावी का छेद। और यहां बताया जे ऐसा असद गुरु को छोड़कर सदगुरु का चरण का आश्रय लेना जरूरी है। अवैष्णव मुखोपदिष्टम मंत्रेण निरंग बजत, अवैष्णव मुखोपदिष्टम मंत्रेण निरंग बजत पुनश्च विधिना ग्राहवेत वैष्णववाद गुरु, शास्त्र में बताएगा पुनश्च, फिर वो गुरु त्याग करके सदगुरु तत्वज्ञानी महापुरुष का चरण आश्रय करना जरूरी है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है, किसी भी हालत से रास्ता खुलेगा नहीं। तो ये पक्का विचार आ गया हृदय में,
जो शरीर जो है मन जो है सभी सभी मैटर है, प्रकृति का वस्तु है, इनर्ट इनर्ट जड़ वस्तु है, सिर्फ आत्मोचेतन वस्तु चेतन आत्मा कण, चेतन आत्मा जो कण है शरीर में रहने का कारण वो ऐसा अनुभव में आता है कि शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं, ऐसा विचार आता है। तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको तद्विधि प्रणिपातेन परिवेशन सेवया उपदीक्षण तिथि ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना, ये बात पक्का है। 10 नंबर श्लोक उस दिन पहले चर्चा किया, 10 नंबर श्लोक तक, 10 नंबर पंचम अध्याय का 10वां नंबर श्लोक, ब्रह्मण्य आधायु कर्माणि संगम संगम त्यक्ता करोति य लिप्पते 900 पापेन पद्मपत्रो मीमांसा। ब्रह्मण्य आधायु, आधायु मन, आधायु का मतलब क्या है? ब्रह्मण्य आधायु ब्रह्म वस्तु जो है, ये परम ब्रह्म वस्तु जो है परम वस्तु, इसमें तमाम कर्मार्पण करके कर्माणि ब्रह्मणि आधायो, आधाय में नैशो, नैशो माने रखे अर्पण करके, ब्रह्मण्य आधायो कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यो, जो व्यक्ति तमाम प्रकृति का जो संग है गुण संगो विवर्जन करके और ब्रह्म में सामाम कर्मों को अर्पण करके अपना कर्मकल का कोई जुमा कामना वासना कुछ नहीं है, ऐसा करके अगर कर दे तो लिप्पते 900 पापेन पद्मपत्र मीमांसा, जैसे पानी में पद्म पत्र रहता है, पद्म फूल का पाता पत्र है, पिटल्स पद्म फूल का, ये पानी में है जरूर लेकिन पानी का साथ इसका कोई संयोग है नहीं, वन काइंड ऑफ पिगमेंट, इसमें एक स्लिपी वायल किस्म का बहुत स्लिपी एक पिगमेंट निकलता है फूलों से, जिसके द्वारा पद्म फूल का ऊपर पानी दे तो ये ठहरता नहीं, कमल जल दला जीवन तला माला, ये कीर्तन किया आपने जानते हो, ऐसा करके क्या होता है, ब्रह्मण्य आधायो कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यो, जो ऐसा करके कर्म करते रहते हैं लिप्पते 900 पापेन, ये किसी भी हालत से कर्म का तो फल है ही है, ये कर्म करते हुए भी वो कोई पाप के द्वारा मलिन नहीं हो पाते, पाप के द्वारा मलिन हो जाता ना जीवात्मा, लिप्पते 900 पापेन पद्मपत्म मिदाम बसा, जैसे पद्मपत्म कभी भी हालत से वह जल में है लेकिन फिर भी जल का साथ उसका कोई संयोग नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति ब्रह्म में समुदाय कर्म स्थापन पूर्वक फलाशक्ति और कर्तृत्व अभिमान को त्याग देके त्याग करके कर्म करते रहते हैं, वो कभी भी पाप में लिप्त तो नहीं होते, पद्म पत्मो जैसे जल में रहते हैं पद्म फूल, लेकिन उसका पिटल्स जो है पद्म फूल जो है वो पानी के द्वारा लिप्त तो नहीं हो पाते। इसके बाद बताएं ब्रह्मण्य आधाय के बारे में आगे भी बताया मई, इसका पहले बताया मई समर्प पहले बताया आध्यात्म चित्ता द्वारा ऐसा मई सर्वाणि कर्माणि पहले श्लोक में बताया, बहुत पहले 3 नंबर अध्याय में 30 नंबर श्लोक में बताया मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, मतलब यहां मई बोल के कृष्ण खुद को बोल रहे,
कभी कभी परोक्ष रूप से, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से। यह ब्रह्म बताया, ब्रह्म का जो निर्विशेष स्वरूप सविशेष स्वरूप दोनों किस्म का होता है। और जब तीन नंबर अध्याय में 30 नंबर श्लोक में बताया गया, भगवान ने खुद बताया, मोई सर्वाणी कर्माणी संन्यास्याद् भात्व चेतसा। इधर डायरेक्टली भगवान अपना जो स्वरूप है, भगवत स्वरूप कृष्ण खुद का जो स्वरूप है उसका बारे में बताया। और यहाँ इनडायरेक्टली ब्रह्मण्य आधायो, जो भक्त है भगवान में विचार करे, जो ज्ञानी है ब्रह्म में विचार करे, ऐसा विचार करेगा जो जैसा जैसा जिसका स्थिति है, जैसा जिसका स्थिति है इसी मुताबिक वो काम विचार करेगा। सो एक्चुअली ब्रह्मण्य आधायो ये जो है मोई सर्वाणी कर्माणि संन्यास्या संन्यास्या धातु चेतसा, आध्यात्म चित्तों के द्वारा मुझ में कर्मों सब अर्पण करके युद्ध करो, ऐसा पहले बताया। और यहां बता रहा है ब्रह्मण्य आधायो कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यो, जो सारे जो व्यक्ति ब्रह्मण्य आधाय ब्रह्म में समर्पण करके कर्माणि संग प्रकृति का जो संग है गुण संग, सतरजतम गुण का जो गुण संग है ये त्याग करके अगर कर्म करते रहते हैं, लिपते न स पापे न पद्म पद्म मीवाम्बसा, इसका कोई बंधन होने का कोई चांस ही नहीं, इसका बंधन होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अक्सर हम लोग सोचते रहते हैं कि महाराज कर्म तो बंधन का कारण है, चले जाए कोई एकांत में चले जाके भजन करे, लेकिन गीता का सरासर उपदेश ये है संसार में रहते हुए भी आप बड़ा एक संत बन सकते। जैसे भक्तिमती ठाकुर, शिवास पंडित, बक्केश पंडित, संसार में रहते हुए भी एक बड़ा संत बन सकते हो, क्योंकि आपका काम क्रोध नहीं है, देश नहीं है, आकर्षण नहीं है। तो साधु किसको बोला जाता है? साधु किसको बोला जाता है? क्या बेस का नाम साधु है क्या? है साधु तो इसी को ही बोले जिसका कोई किसी चीज में आकर्षण नहीं है, जिसका बोध कोई आकर्षण नहीं है, कुछ कामना वासना नहीं है, कुछ अटैचमेंट नहीं है, वही तो साधु है। भगवान चरण में चित्त वृत्ति समाहित रूप में रहते हैं, यही तो साधु का लक्षण है। और किसको साधु बोला जाता है? क्या साधु का बेस साधु है? बेस तो साधु नहीं है। ऐसा करके विचार बनाए यहां, जब ब्रह्मण्य आधायो कर्माणि संयम त्यक्ता करोति यो लिपते न स पापेन पद्मपत्रो मीवाम्बसा। पद्मपत्र का मापी वो निर्मल है, कंटामिनेशन उसका हृदय कंटामिनेशन हो पाते। ब्रह्म में कर्म स्थापन करने का माने क्या है? ब्रह्म में कर्म स्थापन करने का माने ये है जो कर्म करते रहते भगवान का सृष्टि, भगवान का जो सृष्टि का जो रहस्य है उसको मेंटेन करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो कुछ भी किया जाता है वो भगवत चरण में अर्पित करके अर्पण करके निरासक्त होके जो रहना, ये सबसे बड़ा बात है। ये सबसे बड़ा बात है। कायन मनसा बुद्ध्या केवल ही इंद्रिय रूपी योगी नहा कर्म कुर्वंती संगम त्यक्ता त्यक्ता आत्मशुद्ध है। अब ये ये प्रश्न आता है, जो योगी है अक्सर हमारा ये आइडिया है कि योगी है मतलब कोई क्रियाकर्म में लिप्त नहीं है, एकांत में जाके परमात्मा का चरण में समाहित चित्त में रहते, लेकिन गीता का आदेश ये नहीं है, ऐसा नहीं। गीता में आदेश क्या? कायेन मनसा बुद्ध्या, अर्थात शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, केवल ही इंद्रिय रूपी योगी नहा, योगी अर्थात कर्मयोगी गण, ये जो संगम त्यक्ता फलाशक्ति अकर्तृत्व अभिमान त्याग करके आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्ध है
मतलब चित्त शुद्धि के कारण, चित्त शुद्धि के लिए कायेन मनसा बुद्ध्या केवल ही इंद्रिय रूपी, केवल काय मन बुद्धि और इंद्रियादि के द्वारा कर्म कुंदी कर्म करते रहते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल ही इंद्रिय रूपी, इंद्रिय के द्वारा योगिन कर्म कुर्वंती कर्म करते रहते हैं। संगम त्यक्त आत्मशुद्ध है, वो गुणगत संगो गुणमय संगो त्याग करने के लिए करते रहते योगिन कर्म। ये लिखा नहीं है कि योगी है कि कर्म छोड़ दो, योगी है मतलब कर्म सब छोड़ दो, ऐसा नहीं बताया। मतलब ये माने हुआ जो सारे योगी हैं वो तमाम कर्म करते हुए भी बड़ा योगी बन सकता है, आसक्ति रोहित होके, आसक्ति रोहित होके ये हो सकता कि केवल ही इंद्रियो ही रोपी कर्तृत्वाभिमान, कर्तृत्वाभिमान निवेश अभिनिवेश रहित ममत्व बुद्धि शून्य सिद्ध समीपद ये वर्तक है। केवल ही इंद्रिय रूपी मतलब इसका अंदर में कर्तृत्व अभिमान अभिनिवेश बिल्कुल नहीं है, ममत्व अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है, शून्य ही ये माने किया। केवल ही इंद्रिय मतलब कर्तृत्व अभिमान कर्तृत्व अभिनिवेश रहित ममत्व बुद्धि शून्य ही सिद्ध साईपाद शंकराचार्य ये व्याख्या किया। केवल इंद्रियों के द्वारा प्रकृति की अमाननीय बुद्धि के द्वारा हमारा जो इंद्रिया है अपना अपना कर्म करते रहते, केवल इंद्रियादि द्वारा। इसका माने यह है केवल इंद्रियों काम में लगे हुए हैं, आत्मा नहीं है। आत्मा है इसलिए इंद्रो इंद्र जितना सारे तमाम इंद्रिया हैं एक्टिव है, वो अपना अपना काम करते रहते, केवल इंद्रियादि के द्वारा कार्य करते रहते, हम कुछ नहीं करते हैं ये विचार बना के रखा है। अहम बुद्धि हर वक्त त्याग करके रखा है, ऐसा करके विचार बनाया। कायेनो मनसा बुद्ध्या केवल रिंद्रियोपि योगिन कर्म कुर्वन्ती, ये योगी लोग भी कर्म करते हैं लेकिन उसका करने का तरीका जो है अलग है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल रिंद्रियोपि योगिन कर्म कुर्वन्ती संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है, मतलब इसका भी चित्त शुद्धि के कारण शरीर मन बुद्धि इंद्रिया के द्वारा कर्म करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है ये दिखाया। त्यक्त्वात्म शुद्ध है ये बताए, शुद्ध तो है ही और ज्यादा शुद्ध हो जाए चित्त शुद्धि के कारण। केवल शरीर मन बुद्धि और इंद्रिया आदि के द्वारा जो कर्म करते रहते हैं और ये कर्म करने के बावजूद इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल ही इंद्रियो रूपी योगिन कर्म कुर्वन्ती स्वंगम त्यक्त्वात्म शुद्धाय, आत्मशुद्धाय आत्मशुद्धि के कारण ये करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं किंतु लेकिन टेक्निक अलग है। किसी वस्तु में किसी चीजों में कोई बंधन है नहीं, ऐसा करके वो तमाम कामों में लग रहे। इसके बाद 12 नंबर श्लोक में बताया युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति निष्ठिकिम अयुक्त कामो कारेण फले शक्तो निबद्धते। युक्त कर्म फलम त्यक्ता, युक्त निष्काम कर्मयोगी कर्म फलम त्यक्ता, कर्मफल का जो लाभ अलाभ विचार त्याग करके निष्ठिकी संति स्थिर शांति मोक्ष आपनोति प्राप्त, मोक्ष को प्राप्ति करता है। अयुक्त स्वकाम बहिर्मुख व्यक्ति काम कारेण कामना वसतो कामो कारेण कामना वसतो कामना के कारण फले शक्तो निबद्धते। युक्तो कर्मफलम त्यक्ता, जो व्यक्ति युक्तो निष्काम कर्मजीवी कर्मफल त्याग करके नैष्टिकी शांति स्थिरा शांति मोक्ष को
आपनति लाभ करते हैं, अयुक्त जो युक्त नहीं है, मतलब अटैचमेंट जिसका है, कर्मफल कामना वासना सकाम बहिर्मुख व्यक्ति काम कार्य न मत कामना वशतो फले शक्तो, फल के द्वारा आसक्ति, फल के द्वारा आसक्ति में डूब जाते हैं, फले अशक्त भैया फले शक्तो निबद्धते, ऐसा के बंधन का कारण है। नैष्टिक शांति मतलब ब्रह्मनिष्ठ हैते उत्पन्ना जो शांति है वह है, नैष्टिक शांति मतलब है ब्रह्मनिष्ठा से, ब्रह्मनिष्ठा जे ब्रह्मनिष्ठा से जो शांति का उत्पत्ति वो है नैष्टिक शांति। काम काम कारेण कामतः प्रवृत्वा सिद्ध सही पद मधुसूदन सरस्वती ये बताया, कामतः काम फले काम कामना वसत, काम कारेण मतलब कामतः प्रवृत्वा कर्मफल में कामना वसत, यही माने किया नैष्टिक शांति, तो नैष्टिक शांति उदित होता है। और सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तस्ते सुखम वशी नवोद्धारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवोद्धारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। नवोद्धार मतलब ये जो शरीर है, जड़ शरीर है, इसमें नवोद्धार है, जितना सारे नवोद्धार अक्षी कर्ण नासिका मुख पायु पाद सब विचार करके देखना, इसमें नवोद्धार है, नाइन गेट है, नाइन गेट्स। ये नए द्वार के संग, नए द्वार संयुक्त इस शरीर का अंदर में जीवात्मा रहता है और परमात्मा तो है ही है उसका साथ। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तस्ते सुखम वशी, जो सर्वकर्मो मानस विचार के दाना भगवत में अर्पण कर दिया है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तस्ते सुखम वशी सुख में रहता है, नवोद्धारे पूरे देही नैव कुर्वन् न करयन्। ये खुद भी चिंता करता है, मैं कुछ नहीं करता हूं और किसी के द्वारा भी किसी काम कराने का विचार इसका नहीं है, न एव कारयन, किसी के द्वारा कुछ प्रॉफिट लेने का कोई इच्छा भी नहीं है अन्य के द्वारा। सुखम अस्ति, ऐसा मापिक व्यक्ति जो है वो सुखी बनता है, इसलिए बताया युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांति अपनोति नैष्टिकीम अयुक्त हो काम कारेण फले शक्त निबद्धते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्दारे पूरे देही नैवो कुर्वन् न कारयन्। खुद भी कुछ नहीं करता आत्मवस्तु, किसी के द्वारा कुछ कराता भी नहीं, आज सुख सुखम अस्ते धीरे से सुख के द्वारा अपना सुख महसूस करते हैं। नवद्दार जानते हो द्वि चक्षु, जो दो चक्षु हैं, जो कर्ण है, दो नासिका है, मुख पायु उपस्थ, ये नवद्दार है। ये नवद्वार बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एक द्वार से मेरा आत्मा निकलने वाला है, किसी एक द्वार के द्वारा आत्मा निकलने वाला है, निकालते हैं, नियम है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तस्ते सुखम वशी, सुखी अनुभव करता है नवोद्धारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। किसी को कुछ खुद भी कुछ करते नहीं, किसी के द्वारा कुछ कराते भी नहीं है, ऐसा करके
मतलब ये माने हैं जितेंद्रिय पुरुष जो कर्मयोगी, जितेंद्रिय पुरुष जो कर्मयोगी है, मानसिक रूप से समस्त कर्म त्याग करिया, त्याग करके नवद्वार युक्त ये शरीर में सुखी रहता है मानस के द्वारा, वास्तविक त्याग नहीं। वास्तविक कर्म अगर त्याग कर दे, समाज संसार का जो साइक्लिक ऑर्डर है, सृष्टि रहस्य जो है, सृष्टि कर्म जो है, ये छूट जाएगा, भगवान का सेवा है। इसीलिए बताया गया सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्तस्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कार्य। खुद भी कुछ नहीं करते हैं और किसी से करवाते भी नहीं। मनसा संन्यास्तो मतलब देहादीना बहिस्तानी कुर्वन् नोपि बलदेव विद्याभूषण बताया, बलदेव विद्याभूषण जी, अर्थात इंद्रिय के द्वारा बाहरी दृष्टि में काम चलते रहते हैं, किंतु वो विशेष व्यक्ति कर्मों में निर्लित है। बाहरी दृष्टि में कर्म तो चलते रहते हैं, मानस में त्याग करके रखा है, ये बंधन इंद्रिय के द्वारा, तमाम इंद्रिया के द्वारा बाहरी कर्म चल रहे थे, निर्लिप्त हो जितेंद्रिय पुरुष। कर्मयोगी का कर्म जो है कैसा है, इसका उत्तर दिया है, उसका देहादि इंद्रिय सारे कर्म में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो खुद जो है, आत्मा जो है, निर्लिप्त है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नुकसान नहीं है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य श्रीयति विभु प्रभु प्रभु। कभी जीवों का कर्म का जो साइकिल है, कर्म का जो चक्कर है, ये सृष्टि नहीं करते। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य श्रीयति प्रभु। कभी भी सृष्टि करते नहीं। न कर्म फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। सब अपना अपना हैबिट के अनुसार ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, अपना अपना स्वभाव का अनुसार। पहले पहले जो स्वभाव है, स्वभावंतु प्रवर्तन्ते, इसका कोई किसी का कोई करने का है नहीं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु को भी किसी का कर्म करने के लिए बोला भी नहीं है, कर्मों के छुटकारा मिलाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं से, क्योंकि निरासक्त है। न कर्तृत्वम कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्म फल संयोगम स्वभावंतु प्रवर्तते। कर्म फल संयोग ये जो है प्रभु मतलब आत्मा, आत्मा वो स्वात्म जो है, ये जो तमाम जनता है, लोकजन है, ये लोगों कर्तृत्व, इसका जो कर्तृत्व है स्वयं देखा जाता, ये कर्तृत्व सृष्टि करता नहीं, कर्म सृष्टि करें ना, कर्म कभी बनाता नहीं भगवान। सुख दुख रूप कर्म फल भी कभी रचना नहीं करते भगवान, बनाते नहीं, किंतु प्रकृति कर्म में लिप्त रहते हैं। प्रकृति मतलब आत्मवस्तु जो चेतन है, तब प्रकृति क्रिया माना नहीं होता है ना, नहीं तो प्रकृति के तो खुद का कोई पावर नहीं है, क्या ऐसे चलते रहे, प्रकृति लगता है प्रकृति का प्राण है। सो न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्म फल संयोगम स्वभावंतु प्रभु। कर्म फल संयोग ऐसा उदाहरण दिया गया, जैसे कि एक लेमैन है चल नहीं सकता, और एक व्यक्ति अंधा है। अगर अंधा और लंगड़ा जिसका पैर नहीं है, अगर दो मिल जाए, कोऑपरेशन करे एक दूसरे को, तो जो अपाही है वो उसका जो लंगड़ा है वो अंधा का सर, अंदर का जो सोल्जर है कांध पे चढ़ सकता है, और जो अंधा है अंधा का सर पर लंगड़ा चढ़ सकता है,
लंगड़ा बोल के जाए इधर चलो डायना चलो बाया चलो ऊपर चलो ऐसा बोलते चले, तो दोनों का संमिश्रण दोनों मिलजुल के कर सकता है, अकेला तो नहीं कर सकता। अंधा तो अंधा है वो नहीं कर सकता, और लंगड़ा है वो जा नहीं सकता। दोनों आपस में मिलकर अगर निश्चय कर ले कि हम तुमको हेल्प कर तुम हमको हेल्प करोगे तो ऐसा चल सकता है। और प्रकृति और पुरुष का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इसी किस्म का। प्रकृति निश्चल है, इसका अंदर में प्राण नहीं है, अचेतन वस्तु है, और चेतन वस्तु आत्मा है। आत्मा बिना शरीर पकड़े बिना आत्मा कुछ क्या करे, आत्मा का शरीर पकड़े तब तो अपना कर्मफल के अनुसार उसको शरीर दे देता है प्रकृति। और चेतन वस्तु तो है ही है, वो अपना कर्मफल के अनुसार जो उसका जो डिसीजन है इच्छा आशा सब करते रहते हैं। और लगता है कि प्रकृति और पुरुष मिलकर आपस में हिलमिल चला रहा है सृष्टि। वास्तव तो ये है जब प्रकृति का कोई प्राण नहीं है पुरुष का। सो ऐसे ही संयोग करके कारिका में बताया गया पंगु अंधवत उभयो रूपी संयोग तत्कृत सर्ग, ऐसा बताया। तो ऐसा करके देखा जाए तो नौ कर्तृत्व, ये सच्चा बात है, नौ कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, नौ कर्म फल संयोगम स्वभावंतु स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव के अनुसार जितना स्वभाव पहले है जैसे स्वभाव है ऐसा स्वभाव का अनुसार चलते रहते हैं, ऐसा ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। पूर्व जन्म क्रिया हुआ जो संस्कार बीज है, संस्कार कर्म बीज का रूप में प्राप्त होता है। जो पूर्व संस्कार है ये संस्कार कर्म बीज का रूप से प्राप्त होता है जीव, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म क्रिया कर्म में लगे रहते हैं। इसमें भगवान का कुछ कहने का नहीं है, पहले भी बताया नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतिम विभुः, नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतिम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति यन्तभाव। जीवों का जो मोह प्राप्ति है किस लिए, जो अज्ञान के द्वारा मोहित है, अज्ञान क्या है माया है, माया क्या है भगवान का बहिरंग आसक्ति है, अज्ञान है। ये अज्ञान के द्वारा मोहित होने के कारण ये मोह प्राप्त होता है। असलियत बात यह है कि चेतन वस्तु तो ज्ञानमय वस्तु है, चेतन वस्तु ज्ञानमय वस्तु है, इसको अज्ञान का कोई सवाल ही है नहीं। लेकिन यही बात है, अज्ञान का कोई बात, क्योंकि आत्मा वस्तु चेतनमय वस्तु है, लेकिन फिर भी ये माया के द्वारा इसका जो चेतन धर्म जो है दिखाई नहीं पड़ता, लुप्त तो प्राय है, प्रकाशित नहीं है। नादत्त कस्यचित पापं न चैव सुकृतिं विभुम्, कभी कभी पाप और पुण्य लेने के लिए तैयार नहीं है भगवान। जीवात्मा को किसी जीवात्मा को भगवान किसी को बुरा कर्म करने के लिए बताया नहीं, भगवान किसी को पुण्य कर्म करने के लिए बताया नहीं। भगवान ने सिर्फ बताया ये मेरे को भजन कर, मेरा भजन कर, ये बताया। भगवान कभी जीवात्मा किसी भी जीवात्मा को भगवान कभी नहीं बताया कि तू कर्म कर, ए तू एक काम कर, ए पुण्य कर्म कर पाप कर्म कर, इसमें बताया नहीं कभी। पुण्य कर्म ये भी बंधन का कारण है, पाप कर्म ये तो बंधन का कारण है ही है। पाप पुण्य का परे जो है सेवा है, सेवा का बात आता है, पाप और पुण्य छोड़ने से सेवा आता है। पाप कर्म पुण्य जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने बताए पुण्य से सुखे धाम नालोयो तारना, पुण्य जो है सुख का धाम है, इसमें बंधन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पुण्य करो तो पुण्य करने से खीने पुण्य पत्तलुखम विशंति, पुण्य क्षय होने का बाद फिर इधर ही फेंक देगा, देवतालोक फेंक देगा इस जड़ जगत में, जड़ जगत फेंकने का बाद वो अपना कर्म फल के अनुसार फिर शरीर पकड़े,
फिर कर्म करे तो कोई सल्यूशन नहीं है। पाप पुण्य आत्मा विभु वस्तु, आत्मा चिन्मय वस्तु है। पाप और पुण्य का साथ उसका कोई रिलेशन है ही नहीं। पाप पुण्य का साथ आत्मा का कोई ताल्लुका है ही नहीं। इसका माने है जो आत्मा का पास शुभाशुभ पाप पुण्य किसी ही नहीं, कुछ नहीं, द्वंद्वातीत हो। आत्मवस्तु द्वंद्वातीत वस्तु, आत्मवस्तु द्वंद्वातीत हो, सम शांतो निर्विकार निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान बताया गीता में निर्दोष निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म में कोई दोष स्पर्श नहीं होता, चिन्मय वस्तु है। जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशीष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजामी, ब्रह्म संहिता में। आत्मा आत्म वस्तु चिन्मय वस्तु है, इतना विशुद्ध है, इतना विशुद्ध है कि कहने का मां कैसे कहे, इस समझना समझने का बाहर है। शुभाशुभ पुण्यो पाप पुण्य कर्मो इसके इससे पड़े हैं। आत्मवस्तु द्वंद्वातीत हो, शांत हो, निर्विकार निर्दोषम ही समम ब्रह्म। इसका सामने सारे शुभ है। आत्मवस्तु का अगर स्वरूप खुल जाए तो इसका अशुभ बोल के कुछ है नहीं। ये अशुभ जो है ये तो अज्ञान के द्वारा मामई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन चैतन्यांश, इसका जो चैतन्य अंश है, भगवान कह रहे हैं कि ममई वंश जीव भू ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन ममई वंश जीव, ये जो जीव लोके जीव भूत सनातन है, ये जो चेतन अंश है, चेतन चेतन हिसाब से चेतन विचार जो है चेतन, ये चैतन्य है, ये विभु चैतन्य, ये अनुचैतन्य है, और माया का प्रभाव के द्वारा संचालित होने का इसका हर हालत में पॉसिबिलिटी है जीवात्मा का, और मायाधीश भगवान है। लेकिन चेतन तो विचार एक ही है, ये भी चेतन, ये भी चेतन, विभु वस्तु भी चेतन है। तो ये जो अहम बुद्धि है, अहम बुद्धि के द्वारा ही पाप पुण्यों का हिसाब किताब होते रहता है। अहम बुद्धि कर्ता अहम कर्तापन, अहम बुद्धि के द्वारा ही पाप पुण्य का जो हिसाब किताब चलते रहता है। अगर किसी का अंदर में पाप करने का कोई वासना है ही नहीं, किसी का अंदर में कोई भी वासना नहीं, कामना नहीं है, कर्तापन नहीं है, बिल्कुल निर्लिप्त है, ऐसा बाप व्यक्ति आगी, ऐसा व्यक्ति अगर तमाम दुनिया को हत्या करे, हत्यापि सौ इमान लोकान न हंति न निबद्धते। बाद में चले आगे चल के 18 नंबर अध्याय 16-17 श्लोक में ये आता है। यह बताया अगर किसी का अंदर में बिल्कुल कामना वासना नहीं है, निर्लिप्त है, ये अगर तमाम दुनिया को खून कर दे, मार दे, फिर भी एक बूंद भी पाप स्पर्श नहीं करेगा। हत्वापि सौ इमान लोकान न हंति न निबद्धते, किसी को हत्या ये नहीं करता, किसी को ये हत्या नहीं करता, किया ही नहीं कुछ, और बंधन भी इसका कहां से आएगा, बंधन भी नहीं है, बिल्कुल इसका नहीं है, बंधन नहीं है। अगर किसी का अंदर में ये गलत फहमी आ गया, किसी का अंदर में ये विचार आ गया तो भगवान सर्वमय करता है। अगर भगवान ही अगर आप कह रहे हैं कोई कुछ नहीं करता तो कौन करता है, कौन करता है, ऐसा बात है। आत्मा चेतनमय वस्तु पहले ही बताया बहुत बार, और चेतनमय वस्तु का अंदर अगर चेतनमय वस्तु का अंदर स्वेच्छा नहीं है वो चेतन वस्तु नहीं है। मेरा बात आई बात समझ में, चेतन वस्तु उसी को बोले जिसका स्वाधीन चिंता है, स्वाधीन एक्शन लेने का उपाय है चेतन वस्तु। भगवान कभी कोई चेतन वस्तु का ऊपर हस्ताक्षेप
भगवान किसी चेतन वस्तु को पर हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है। तो चेतन वस्तु मामाई वंश जीव जीव जिमय मामाई वंश जीव लोके जीव तो सनातन है, मतलब भगवान का अंश है। भगवान का अंश बोलने से भगवान को पीस 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 काट काट के अंश की ऐसा नहीं, भगवान का अंश बोलने से भगवान का शक्ति अंश, भगवान का जो जो अंश है ये बोलने से शक्ति शक्ति मत और अभेद ऐसा विचार से भगवान का शक्ति भगवान से अभिन्न है। भगवान भगवान का जो शक्ति है शक्ति का अंश जीव शक्ति ततस्थ शक्ति। तो इसीलिए मवई वंश जीव लोके जीव तो सनातना, भगवान का बिल्कुल इच्छा ही नहीं है कभी चेतन वस्तु, जितना सारे चेतन वस्तु है आत्मा ये सब चेतन वस्तु का ऊपर हर हालत में भगवान इसका ऊपर दबा डालना नहीं चाहता। भगवान किसी का ऊपर दबा डालना नहीं चाहता। भगवान चाहते हैं कि ये जो चेतन वस्तु है, चेतन वस्तु स्वाधीन है, स्वाधीन वो अपना विचार करते करते अगर कभी मेरा सेवा को अपनाएगा, अभी सोचेगा कि भगवत सेवा ही मेरा जीवन जिंदगी का एकमात्र मकसद है तो कर ले, अगर ना समझे तो माया का सेवा कर ले। तो इसमें भगवान कभी भी हस्ताक्षेप करना नहीं चाहता। चेतन वस्तु का चेतन, चेतन वस्तु का स्वाधीन चिंता, स्वाधीन भावना, स्वाधीन क्रियाकर्म ये अप्रूव है। अगर चेतन वस्तु का बारे में ये अगर नहीं माना जाए तो हर चेतन वस्तु एक मैटर इनर्ट वस्तु हो जाएगा, इसे मानना चाहिए। तो भगवान का ही है और भगवान ही इनडायरेक्टली सब कुछ भगवान से ही हो रहा है, फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब भगवान के द्वारा ही नियंत्रित हो रहे हैं। फिर भी इसमें एक बात है, ये जीवात्मा चेतन वस्तु है, स्वाधीन है, तो ये अपना अपना कर्मफल के अनुसार जो जो कर्म करे, भगवान बुरा कर्मों या अच्छा कर्म जो कुछ भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी करते रहते। जैसे उद्दुर्योधन ने बताया, बहुत दिन पहले हमने उठाया था ये बात को, दुर्योधन ने बताया जे सारे जो क्रियाकर्म है, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया ऋषि केश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। एक उदाहरण दे दे, जैसे कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, जैसे अर्जुन को ही भगवान बोले कि तुम युद्ध करो और इसका साथ साथ भी विश्व रूप में भगवान दिखा दिया तुम युद्ध करने वाला कौन हो, तुम किसी को मारने वाला कौन हो, देखो मैं सबको मर के रखा है, देखो मर के रखा है, कोई जिंदा नहीं है, निमित्त मात्र भव सभ्यसाची इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बनना है हमारा, जितना सारे जीवात्मा है हम है आप है जितना सारे, सो हमको इंस्ट्रूमेंट बनना है। यहां तक कि हरिकथा बनने जाए ये भी भगवान बुलवाता है। भक्तिमंत ठाकुर कीर्तन में लिखा है ना, पी आई या प्रेम मत तो कोरी मोरे सुनो निजो गुणगान, भगवान तुम्हारा ही प्रेम रस पान करा के और खुद का गुणगान खुद सुनो। राय रामानंदो जैसे बताया था ना, महाप्रभु के साथ जो चर्चा हुआ था गोदावरी तट में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय, राय बोल रहा है लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोला लिखे हैं जे राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय। राय महाशय खुद भी ये बात का स्वीकार किए कि हम तो आपका प्रेरणा से आपका शक्ति से बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हो आप ही सुन रहे हो, अंदर में बैठ के आप ही बुलवा रहे हो, अंदर में बैठ के आप ही बुलवा रहे हो और बाहरी दृष्टि में आप ही सुन रहे हो, क्योंकि अद्वैत ज्ञान तत्व का यही विशेष है। सिर्फ हमारा कर्तापन हमारा मुश्किल की कारण बन जाता है। तो जो भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कुछ भी हो रहा है भगवान का इशारा, भगवान का इशारा के अलावा, भगवान का इशारा के अलावा एक पत्ता भी हिलता नहीं। मत बयात बात ही बात हो, मत मत बयात बात ही बात हो, कपिल जी भगवान देवावती माँ को बताए मत भयात बात ही बात हा, सूर्यस्तपति मत भयात, मेरा डर के कारण वायु
बहते रहते हैं, वायु बहते रहते हैं, और मत भयात हमारे डर के कारण सूर्य ताप दे रहे हैं। मृत्युश्चरति मत भयात, मृत्यु जो है जमराज जी महाराज वो भी मेरा डर के कारण विचरण करते रहते, किसका मौत आ गया ले जाओ फिर जन्म का व्यवस्था हो जाए, ऐसा करके चलते रहते। दुर्योधन जैसा अकलमंदी दुष्ट है वो भी ये बात का स्वीकार किया, ये भी स्वीकार किया अपना कर्मफल के अनुसार एक कली का अंश में जन्म हुआ दुर्योधन। दुर्योधन खुद बताया हम धर्मों के बारे में मेरा थोड़ा जानकारी है लेकिन मेरा रुचि नहीं है, जानामि धर्मम, हम धर्मों किसको बोलता है हमको जानकारी है फिर भी हमारा रुचि नहीं है। क्यों? बोले पूर्व संस्कार के अनुसार मेरा रुचि नहीं बैठता। अंध धृतराष्ट्र वैद्य विदुर जी को कह रहे हैं कि विदुर जी को कह रहे हैं अंध धृतराष्ट्र तुम तो कह रहे हो ठीक बात, सही बात कह रहे हो ये तत्व ज्ञान, लेकिन मेरा दिल में ठहरता नहीं है, मेरा दिल में ठहरता नहीं। मैं जानने का बावजूद मैं जानता हूं कि दुर्योधन उल्टा कर रहा है, दुर्योधन अधर्म कर रहा है, दुर्योधन अन्याय कर रहा है, मैं भले मत ही जानता हूं लेकिन क्या करूं, मेरा स्नेह है अंध स्नेह ये ठहरता नहीं। आपका जो तत्व ज्ञान है विदुर जी महाराज, तुम्हारा जो तत्व ज्ञान है ये 100% मैं जानता हूं ये सही बात है, लेकिन मेरे बिल में ठहरता नहीं, पकड़ लें ये तत्व ज्ञान को पकड़ने के लिए कोई हिम्मत ही है नहीं, क्या करूं मैं। दुर्योधन भी ये बताया जनामि धर्मम, नौचो में प्रवृत्ति, हमारा प्रवृत्ति नहीं है धर्म में, क्या करूं। जनामि अधर्मम, अधर्म किसको बोला जाता है मैं जानता हूं लेकिन इसको मैं अपने को रोक नहीं पाता, मजबूरी में कर देता, क्या करूं। जिसका बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बताया ना अनिच्छनो भी बरसियों बलादि बनी है, जैसे लगता है कि इच्छा नहीं है फिर भी कौन कराता है, अनिच्छनो भी बरसियों बलादि बनी है, जैसे बलपूर्वक किसी ने लगा दिया ये बुरा कर्म करने, मतलब क्या है। सच्चा विचार करो तो अपना अपना कर्मफल का अनुसार भला बुरा कर्म करते रहते हैं, परमात्मा देखते रहते हैं, साक्षी है अंदर में परमात्मा गुरु के साक्षी है, अकॉर्डिंगली उसका फल भी मिलता है। दुर्योधन ने तमाम खराब कर्म किया है तो अच्छा कर्म का प्रेरणा कहाँ से आएगा। हम जो सुबह में प्रचोदयात मंत्र कहते हैं ये प्रचोदना अपन हमारा जो शुभ कर्म का प्रेरणा मिल जाए, हमको इच्छा नहीं कि बुरा कर्म करे, भजन करते समय गुरु वैष्णव के चरण में प्रार्थना करे कि गुरु प्रचोदयात गौर प्रचोदयात, पुरुषार्थ मंत्र आता है ना ब्रह्म गायत्री में है इधर प्रचोदना जो है प्रेरणा जो है ये अपना अंदर में जो कर्मफल है उसका अनुभव प्रेरणा आएगा। अगर आप गुरुचरण में शरणागत तो होके हो सके कि पहले आपने बहुत बुरा कर्म किया है लेकिन अभी शरणागत तो होके भगवान को अगर प्रार्थना करे ब्रह्म गायत्री करे काम गायत्री करे हैं गुरु गायत्री करे इतना सारे करे तो आपको शुभ करना प्रेरणा जरूर मिलेगी जरूर। पहले जो कुछ किया कर्म किया आप आत्मसमर्पण की करके शरणागत होके बिल्कुल ये प्रार्थना करते रहो और सेवा करते रहो तो देखोगे आपका अंदर में भी शुभ विद्वा शुभ विचार प्रेरणा भगवान प्रचोदयात भगवान है। ओम भूर भुवः स्वः महः ये जो है ये जितना सारे जीवात्मा है ब्रह्मा से लेकर चीटी चेटी तक, कभी कभी ब्रह्मा जो है ये स्वयं भगवान ब्रह्मा का रूप पकड़ते हैं, जिस सृष्टि का समय जिस कल्प में ब्रह्मा बनने का लिए कोई काबिल जीवात्मा नहीं मिला तो भगवान को खुद को लेता है, खुद को ये पद ये जो डेजिग्नेशन है पद लेना पड़ता है। बाकी समय तो जो ब्रह्मा जो है वो जीवात्मा ही है, कोई जीव साधारण जो शिव तत्व है ये भी जीव है,
लेकिन पक्का जो सदाशिव है इसका बारे में विचार कर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है इसमें, बहुत समझना पड़े नहीं तो उल्टा बुद्धि हो जाएगा। तो ऐसा है, अगर किसका अंदर में निर्मल प्रेरणा मिलते रहते हैं भजन के अनुसार, वो आगे चलेगा। ये जीवात्मा है जो अपना चेतन क्षमता, अपना जो चेतन का जो वृत्ति है, चेतन कभी तो सेवा भगवान का गुणगान करना, कभी भी हम शुरू करेंगे ये विचार, ये जीवात्मा जो है अनुशब्द, अनुशब्द है जीव, अनुचैतन्य जो है गुणात आलोकवत, फिर भी हम प्रमाण करेंगे कि ये अनुशब्द है। हर वक्त भगवान का गुणगान करना इसका धर्म है, इसका धर्म है अनुक्षण भगवान का गुण। तो ये चेतनमय जो वस्तु है, प्रभुपाद जी ने अपना जिंदगी में दिखाया, एक पल भर के लिए भी प्रभुपाद चुप नहीं सा, हर वक्त भगवान का कीर्तन चलते, चाहे बाहर में अंतर में, हर वक्त बाहरी दृष्टि में किसी का सामने प्रवचन प्रवचन दे रहे हैं या तो अंदर में चल रहे हैं, हर वक्त कीर्तन बंद नहीं है, कीर्तन कभी भी बंद नहीं है। ये चेतन आत्मा का धर्म है। तो ये जो चेतन आत्मा का धर्म है, ये इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट जैसे है, जैसे घी तेल है, जानते हो ना, इसमें अगर थोड़ा सा भी आंख का स्फुलिंग स्पार्क, आंख का स्पार्क लग जाए तो धाधा धाधा करके जलना शुरू कर दे। ये आत्मा वस्तु ऐसा ही है, चेतनमय वस्तु, ज्ञानमय वस्तु है, सिर्फ आग लगाने का एक स्फुलिंग चाहिए। गुरु वैष्णव, गुरु वैष्णव कभी हम चर्चा करेंगे, काल करेंगे, आचार्य अरणीर आद्य, आचार्य अरणीर आद्य, ये जो श्लोक है आचार्य अरणीर आद्य है, आचार्य अरणीर आद्य साध अंतेवासी उत्तर अरणी, ये श्लोक चर्चा करेंगे भागवत से, तो आप समझोगे गुरु वैष्णव का संपर्क में जब बद्ध जीव आ जाते हैं, अगर अपराध नहीं है तो बस ब्रह्मांड भ्रमित गुणो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कैसे? जैसे आग लग जाए, जैसे जैसे इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट में आग लग जाए ना, स्फुलिंग, बस इतना ही काफी है, वह तो अपने आप जलते रहेगा, क्योंकि आग का अस्तित्व है छुपा हुआ। काठ का लकड़ी का अंदर में आग नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन आग है गुप्त रूप में लकड़ी का अंदर में, नहीं है तो प्रकट कैसे हुआ? तो ऐसा करके हम चर्चा करेंगे काल, जो गुरु वैष्णव का संपर्क में आ जाए तो इसका अंदर में इतना पावर है कि जीवों का अंदर में जो चेतनमय ज्ञानमय वस्तु है, अभी जो खो बैठा है अपना विचार, अपना जो परिचय, ये खो बैठा है, बस सिर्फ हरि कथा सुनो, कीर्तन सुनो, गुरु वैष्णव का सेवा करो, करते करते आग लग जाएगा, चलते रहेगा, बस सदगुरु मिले भेद बतावे आंख, सदगुरु मिले भेद बतावे आंख करे प्रवेश कैला का मैला ना, ऐसा है, सदगुरु मिले भेद बताए ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रवेश। आंख मतलब आध्यात्म चेतना, आध्यात्म अग्नि, आध्यात्म चेतना, इसको लेना है। मुर्दा का मापिक, हम तो चलता फिरता मुर्दा है, कोई अनुगत तो नहीं है, क्या सुना है इसका कोई विचार भी नहीं है, हाँ हूं ना कुछ भी नहीं, क्यों हम चलता फिरता मुर्दा है, कोई तो विचार होनी चाहिए ना, कोई प्रश्न होनी चाहिए, कोई विचार होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि हम चलता फिरता मुर्दा के बराबर है। तो ऐसा है, संसार में जो चीज दिखाई पड़ता है असलियत में ये सपना जैसा है, ये सपना जैसा है, सपना नहीं है लेकिन सपने का मुताबिक। अर्थे ही अविद्यमाने ओपी संस्थिर न निवर्तते धैतो विषयन अस्सो सपने अनर्थागम यथा, इस बात का काल चर्चा करेंगे। आप विचार करके देखो, हमने ये श्लोक का जो व्याख्या ठाकुर जी का कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से कर पाया, इसमें नादत्त्य कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभु विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम,
तेन मुझंती यंत भाव। अज्ञान के द्वारा आवृत, अज्ञान के द्वारा आवृत होने का कारण इसका अंदर में जो परम चेतनमय वस्तु है, ज्ञानमय वस्तु है, ये प्रकाशित नहीं हो पाता, यही कारण है। और जैसे भूत पकड़ने से, जैसे चैतन्य चैतन्य में बताया कृष्णदास कबीर गोस्वामी, पिशाची पाइले यथा मतिच्छन्न हय मायाबद्ध जीवे रहय सही भाव होता है। पिशाची प्राप्त होने से, पिशाची प्राप्त होने से जैसे मायाबद्ध जीवों का अंदर में है कैसा हालत होता है, पिशाची पाइले यथा मतिच्छन्न हय, पिशाची अर्थात भूत प्रेत जब किसी का अंदर में शरीर में प्रवेश करते, उसका पहले विचार बनाता है कि इसका चेतना का डिग्री कितना तक है। अगर चेतना का डिग्री लो है, बहुत लो, तो प्रवेश कर जाए, और समझे कि चेतना का डिग्री बहुत हाई है तो बिल्कुल वो प्रवेश नहीं करे, ये नामुमकिन है, संभव नहीं, क्योंकि चेतन कम है, तमोगुनी है, रजोगुनी है, चेतन का बहुत आचार निष्ठा कुछ नहीं है। तो इसका लिए जीवात्मा, ये जो जीवात्मा अंदर में है, जो इसको तो ऐसे तो माया तो है ही है, और इसका बाद पिशाची प्राप्त होने से और भी ज्यादा बिगड़ जाए हालत, और भी ज्यादा बिगड़ जाए हालत, क्योंकि पिशाची प्राप्त हुआ, ऐसे तो माया में है ही है नॉर्मली की अगर बात। अभी पिशाची प्राप्त हुआ है, जो नहीं है वो कर रहा है, जो ही नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, क्योंकि जीवात्मा का अंदर में भगवान है, ये तो ठीक बात है, लेकिन भगवान आम आदमी का अंदर में सुप्त रूप में है। और भक्तेर हृदय सदा गोविंदर विश्राम, भक्त का हृदय में भगवान प्रकट रूप से विहार करता है, अंदर में बहुत आनंद लेता है भगवान, भगवान खूब आनंद लेता है भक्त का हृदय में है। भक्त का हृदय में रहते समय भगवान सरते रहते समय मतलब हर वक्त रहते हैं भक्तों के हृदय में, भगवान आवादा मोज आनंद लेते हैं, क्योंकि हर वक्त हरि कथा प्रसंग सदा है, कृष्ण प्रसंग, इसलिए हर वक्त आनंद है, कोई कामना वासना नहीं है, कामना वासना का पीड़ा नहीं है, आनंद है। लेकिन बद्ध जीव के अंदर में परमात्मा जरूर है, लेकिन परमात्मा सुप्त रूप में है, प्रकाशित नहीं है। और जीवात्मा का अंदर में कर्ता अहम ये भाव है, तो पितात्ता उसका अंदर में घुस जाए, जो नहीं है वो कर रहा है। ऐसा जीवों के लिए गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित, अर्थात भक्तिर भगवान, भक्तों का भगवान, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित। और जिसका अंदर में कोई चेतना है ही नहीं, माया का सेवा में व्यस्त है, उसका अंदर में भगवान का कोई फीलिंग ही नहीं है, उसका अंदर में कोई नहीं है, माया के द्वारा संचालित होके भला बुरा कर्म करते रहते हैं, वो क्या करे, क्या करे। कोई अगर ऐसा पावरफुल गुरु वैष्णव है जैसे रसिकानंद प्रभु गोपालदास, एक हाथी का नाम है गोपाल, पगला हाथी गोपालदास, ये गोपालदास जो है इसका अंतरात्मा का परिवर्तन कर दिया। गोपालदास जो है, ये हाथी जो है, पगला हाथी, ये रसिकानंद प्रभु को ही मारने के लिए राजा जो है वहां का लैंडलॉर्ड है ये प्रेरित की, लेकिन उल्टा हुआ, रसिकानंद का ओर एकदम चिल्ला चिल्ला के आ हूं करके, रसिकानंद घबराया नहीं, एक जगह खड़ा हुआ है, रसिकानंद जी ये जो हाथी है पगला हाथी, ये जब बाजू में आया, नजदीक आया, तो बोला अरे पगला, कितना दिन सब पगला है, पगलपंथी करे तू, कितना दिन तक, कितना जन्म तू ऐसा करेगा, अब शांत हो जा है? शांत हो जा, अभी बहुत किया है, अब शांत हो जा। तो हाथी ने क्या किया, पागलपंती छोड़कर बैठ गया रसिकानंद प्रभु के सामने। रसिकानंद प्रभु इसको हरिनाम सुनाया, सुनने का बाद
ये हाथी जो है गोपाल दास जिंदगी भर के लिए बाकी जिंदगी लिए सेवा किया। खड़गपुर में सर्वमंगला देवी है, ये नर खादी ये खाती है रात के समय में निकाल के पिशाच का मापी, कोई बच्चा वे कुछ मिले खा लेती। रसिकानंद प्रभु का सामने शिकार किया, मैंने अन्याय किया, क्षमा करो, ऐसा करके कृपा पत्त हुआ। ये डिमी गॉड्स है, तामसिक डिमी गॉड्स है सर्वमंगला। अभी भी पूजा होता है खड़गपुर में, जैसा है ऐसा करके विचार करके देखो तो भगवान का सचमुच डायरेक्टली भगवान किसी को कंट्रोल करे उचित नहीं। ऐसे तो इनडायरेक्टली विचार करो, एक पैर की पत्ता भी भगवान का इच्छा के अलावा हिलता ही नहीं। ये बात को उपनिषद में, ईशोपनिषद में, जैसे देवता लोग जय प्राप्त हुआ और माया देवी उमा देवी हंसते रहते हैं, देवता लोग गर्वित हो गया, बोले हम लोगों ने जय प्राप्त हुआ असुर का ऊपर। असलियत तो ये है कि भगवान ने कृपा किया तो जय किया। उमा देवी इंद्र आया अंतिम में, परिचय क्या है, ये ब्रह्म वस्तु है, एक अद्भुत प्राणी, इसका परिचय लेने के लिए भेजा वरुण देव को, वायु देव को, कोई अग्निदेव को, सब हैरान हो गया और वापस लौट गया। इंद्र महाराज आए तो इतने में ये जो ब्रह्म वस्तु गायब हो गया, और उमा देवी आसमान में हंसते रहे और उमा देवी का ओर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। उमा देवी कहे जे वो ये वस्तु कौन है जिसको कोई जान नहीं सकता, जिसको जानना संभव नहीं, ये पर ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्म वस्तु है। तुम्हारा अहंकार देखने का कारण, देखने का बाद तुम्हारा अहंकार देखा तो भगवान आया, ब्रह्म वस्तु आया तुम्हारा अहंकार को मिट्टी में मिलाने के लिए। भगवान अगर सहायता ना करे, ब्रह्म वस्तु सहायता ना करे, किसी भी हालत से हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसको प्रमाण किया। तो ये युद्ध जय के लिए जो आनंद हुआ, देवता लोग भी समझ पाया कि ये हमारा क्षमता नहीं है, ब्रह्म वस्तु जो हमको सहायता किया इसलिए जय को प्राप्त किया है। असुर लोगों भी कभी कभी जय प्राप्त होता है, ये लोगों की भगवान के पास सारे न्यूट्रल है, भगवान अपना अपना कर्मफल को भोग करता है, इनडायरेक्टली भगवान ही सब करता है, फिर भी डायरेक्टली जीवात्मा जीवों का अंदर में जो पाप पुण्य का वासना है, कर्मफल है, ये भगवान कभी भी लेता नहीं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिं विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति यन्द्व। और ज्ञान अगर किसी का अंदर में प्रकाशित हो गया कृपा, किसी भी कृपा से, ज्ञानेन तू तज ज्ञानम जेसाम नसितम आत्मनः तेसाम आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिसका अंदर में आत्मविषय ज्ञान पैदा हुआ जरूर उसका अंदर में अज्ञान नाश हो जाएगा, और अंदर में ही आत्मा जो चेतनमय वस्तु है, इसका कारण क्या है, यह हर वक्त हमको प्रार्थना करना चाहिए गुरु विष्णु की कृपा के द्वारा अंदर में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये शब्दों का अर्थ समझने का कोशिश करना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान बाहर से लाने का यह प्रसंग नहीं है, इस बात में काल चर्चा करेंगे। दिव्य ज्ञान बाहर किसी जगह से लाने का कोई प्रसंग नहीं है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। प्रकाशित मतलब ये पहले था प्रकाशित हो गया, ये विचार है। काल इस बारे में हम चर्चा करेंगे, आज यहां तक रहे, और बिल्कुल बहुत विचार करके इस समझने का कोशिश करना। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिक कथम अन्यांश गोपायत सर्पग्रस्त जया अपरम, और जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र कोश शोको मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत वांछा कल्पतरुषे के बासिंद व्यवच पतितानं पावन भवेश्वरभ्यो नमो।